नमस्कार, मेरा नाम रीना है और आप सभी का मेरे चैनल रीना कैटरिंग में स्वागत है। आपने खिचड़ी तो बहुत खाई होगी साबूदाना की, लेकिन आज मैं साबूदाना की पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम साबूदाना का पराठे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप साबूदाना को वॉश करके 2 घंटे भिजा के रखा था। फिर हमने इसको छन्नी में 2 घंटे के लिए सुखा भी लिया और आप देख सकते हैं हमारा साबूदाना कितना खुला खुला बना है। और हमें ऐसे ही साबूदाना चाहिए। और हम साबूदाना की पराठे बनाने के लिए हम इसमें सबसे पहले 1 कप सिंघाड़े का आटा डालेंगे। अगर आपके पास सिंघाड़े का आटा ना हो तो आप राजगीरे का आटा भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें हमने 2 मीडियम साइज़ के आलू को बॉईल कर छील कर, अब मैंने इसको मैश कर लिया है। अब हम इसको इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, ये सेंधा नमक है जिसको हम व्रत में खा सकते हैं। और हमने अदरक को एकदम फाइनली चॉप कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे, ये 1 टेबल स्पून है। आधी चम्मच कुटी हुई काली मिर्ची डालेंगे, आधी चम्मच कुटी हुई मिर्ची, 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे जिसको हमने फाइनली चॉप्ड कर लिया है। इससे हमारा साबूदाना का पराठा बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब हम इसको हाथों की सहायता से अच्छे से मिला लेंगे। हम आटे को कुछ इस तरीके से लगा लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा डो कितना अच्छे से रेडी हो गया है। और हमने इसको बनाने के लिए लगभग 1 टेबल स्पून पानी का यूज़ लिया है। अब हम इस डो का छोटे छोटे लोए बनाएंगे। इसके लिए हम पहले हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और हम थोड़ा सा डो लेंगे और इसको हम ऐसे दोनों हथेलियों के बीच में ऐसे प्रेस कर देंगे। आप देख सकते हैं हम ऐसे लोए सभी डो का बना लेंगे। हम ऐसे ही सभी को बना लेंगे कुछ ऐसे। आप देख सकते हैं हमने सारे लोए बना लिए हैं। और अब हम इसको बेलेंगे और हम इसको अलग ही तरीके से बेलेंगे। बेलने के लिए हम 2 बटर पेपर का इस्तेमाल लेंगे। और हम पहले बटर पेपर में थोड़ा सा तेल की ग्रेसिंग कर लेंगे ताकि वो नीचे चिपके ना। अब हम इसके ऊपर 1 लोई रखेंगे और फिर हमने जो दूसरे बटर पेपर को हम इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। और हम लोई के ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। और अब हम इसके ऊपर 1 बटर पेपर रखेंगे एकदम बीच में। अब हम इसके ऊपर थाली से प्रेस करेंगे ताकि ये अंदर से गोल हो जाए। अब हम इसको हटा देंगे और आप खोल के चेक कर लेते हैं। हमारा साबूदाना का पराठा एकदम गोल बेला है। अब हम इसको उठाकर ऐसे हाथों पर लेकर नॉन स्टिक तवे के ऊपर रख देंगे। हमने साबूदाना का पराठा सेकने के लिए नॉन स्टिक तवे का यूज़ ले रहे हैं और हम इसको लो फ्लेम पे सेकेंगे ताकि ये अच्छे से क्रंची हो। अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा ना हो तो आप नॉर्मल तवे का भी इस्तेमाल ले सकते हैं। इसी प्रकार हम सबको बेल लेंगे, लोई लेंगे, लोई के ऊपर ग्रेसिंग कर लेंगे। दूसरे को भी हम नॉन स्टिक तवे के ऊपर
रख देंगे। हमारा पहला पराठा एक साइड से सिक चुका है, अब हम दूसरे साइड से सिकने देंगे। अब हम अपने पहले पराठे को पलट कर एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा ये पहला पराठा एक साइड से सिक चुका है, अब हम दूसरे साइड से सिकने देंगे। हम दोनों को ही अच्छे से घुमा घुमा कर सेक लेंगे। ये हमारा एक साइड से ब्राउन हो गया है, इसका मतलब हमारा ये इस साइड से सिक चुका है, अब हम दूसरे साइड से सिकने देंगे। अब हम इसके ऊपर तेल लगा कर उलट पुलट कर सेक लेंगे। अब हम इसके ऊपर भी दूसरी साइड से भी तेल लगा लेंगे। हम इसको अच्छे से उलट पुलट कर सेकेंगे ताकि ये क्रिस्पी बने और खाने में अच्छे लगे। आप देख सकते हैं हमारा साबूदाना का पराठे बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी प्रकार हम सभी को सेक लेंगे। हमारा साबूदाना का पराठा बनके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर बना है, और इसको हमने बनाने के लिए बहुत ही कम तेल का यूज़ लिया है, और हमारा पराठा एकदम स्पाइसी और नरम बना है। इसको आप दही के साथ भी खाइएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए, आपको अंदर से भी दिखाती हूँ, ये आप दही के साथ खाइएगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।